Very good morning to all of you. In this video, we will talk about precipitate labor. बहुत important topic है university exam के लिए और हम लोग इसे abnormal uterine action chapter में पढ़ते हैं. तो basically precipitate labor में problem क्या हो रहा है? Precipitate labor में जो polarity of the uterus है वो maintained है ना. Polarity से क्या समझते हैं? Polarity का मतलब है when the upper segment of the uterus will contract, the lower segment will relax. और इस तरह से normally हमें expulsion of the fetus देखने के लिए मिलता है. But in case of precipitate labor, पोलैरिटी तो ठीक है लेकिन वहाँ पे हाइपरटोनिक डिसफंक्शन हो जाता है. हाइपरटोनिक डिसफंक्शन का क्या मतलब है? देर इज एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस और यहाँ पे हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देखने के लिए मिलता है. अगर हाइपरटोनिक डिसफंक्शन है, अगर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है और साथ में ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है तो हम लोग उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? टोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखते हैं प्रसिपिटेट लेबर. तो प्रसिपिटेट लेबर कैसा डिसफंक्शन है? हाइपरटोनिक डिसफंक्शन है. ठीक है, टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ प्रसिपिटेट लेबर, अगर कंबाइंड ड्यूरेशन जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का है उसमें हमें 2 घंटा से भी कम समय लगता है तो वैसे लेबर को हम लोग प्रसिपिटेट लेबर बोलेंगे. तो ये जो कम समय हमें लग रहा है ये क्यों लग रहा है? दिस इज ड्यू टू द रैपिड एक्सपल्सन. और रैपिड एक्सपल्सन हमें क्यों देखने के लिए मिल रहा है? दिस इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाइपर एक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमिनिस्ड सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस. तो बेसिकली यहाँ पे हमें डिमिनिस्ड सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस क्यों देखने के लिए मिल रहा है? ये हमें बेसिकली मल्टी पैरामेन में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे मल्टीपल बर्थ होने की वजह से हमें सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस पे डिक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है. वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ए लेबर इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट व्हेन कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज लेस देन 2 आवर एंड दिस इज ड्यू टू द रैपिड एक्सपल्सन एंड रैपिड एक्सपल्सन इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाइपर एक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड डिमिनिस्ड सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस. इट इज़ कॉमनली सीन इन मल्टी पैरा. लेबर इज शॉर्ट एंड रेट ऑफ सर्वाइकल डायरेक्शन इज मोर देन ऑरिकल टू 5 cm/h. नॉर्मली जो रेट ऑफ सर्वाइकल डायरेक्शन होता है मल्टी पैरा में वो 1.5 cm/h होता है, लेकिन इन केस ऑफ प्रसिपिटेड लेबर ड्यू टू हाइपर एक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो रेट ऑफ सर्वाइकल डायरेक्शन है दैट विल बी इक्वल टू और मोर देन 5 cm/h. टॉकिंग अबाउट रिस्क और कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद प्रसिपिटेड लेबर, तो बेसिकली एक छोटा सा पैसेज है जिससे बहुत स्पीड के साथ फीटल का एक्सपल्सन हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है. तो इससे मैटरनल साइड में भी और फीटल साइड में भी बोथ साइड में हमें डैमेज और इंजरी देखने के लिए मिलेगा. फीटल में क्या क्या हमें देखने के लिए मिल सकता है? एबनॉर्मल हाइपर एक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंट्राक्रेनियल स्ट्रेस और हेमरेज देखने के लिए मिल सकता है. रैपिड एक्सपल्सन की वजह से जो कॉर्ड है उसमें टॉर्न देखने के लिए मिल सकता है, उसकी वजह से हमें ब्लीडिंग मिलेगा देखने के लिए. और एक्सपल्सन इतना तेज होगा क्या जो स्कल है वो किसी ऑब्जेक्ट से जाकर के टकराएगा, उसके वजह से हमें वहाँ पे इंजरी देखने के लिए मिल सकता है. टॉकिंग अबाउट द मैटरनल रिस्क, मैटरनल रिस्क फैक्टर में जो बर्थ कनाल है, सर्विक्स, वजाइना, यूट्रस, इसमें हमें रप्चर देखने के लिए मिल सकता है, लेसरेशन देखने के लिए मिल सकता है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस देखने के लिए मिल सकता है, पोस्टपार्टम हैमरेज देखने के लिए मिल सकता है और इन्फेक्शन और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म देखने के लिए मिल सकता है. मैटरनल रिस्क को याद करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, पेरिनियम ये तीनों कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है, तो आप इसको अपने से पॉइंट बना के लिख सकते हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, अगर प्रीवियस हिस्ट्री प्रसिपिटेट लेबर का प्रेजेंट है तो हमें हॉस्पिटलाइज्ड करना है प्रायर टू लेबर. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करना है विथ हेल्प ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और जो डिलीवरी कराना है हेड का दैट शुड बी कंट्रोल्ड, क्योंकि हमें पता है अगर हम लोग हेड डिलीवरी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो स्कल जो है कहीं भी जाके हिट करेगा और वहाँ पे हमें इंजरी देखने के लिए मिलेगा. एपिजियोटॉमी शुड बी डन लिबरली एंड ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन इज अवॉइडेड, क्योंकि पहले से जो यूट्रस है वो हाइपर एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. दिस इज ऑल अबाउट योर प्रसिपिटेट लेवर. थैंक यू.